हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या कैरियर एकेडमी। आज हम लोग सीएचएसएल का 13 मार्च का फर्स्ट और सेकंड और थर्ड शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन देखेंगे। जितना मेरे पास मौजूद है लगभग 50 क्वेश्चन है, जो सब सारे क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। अगर आप पीछे का जो भी सीएचएसएल का क्वेश्चन आया हुआ है, मैथ का वीडियो भी आप लोग को उपलब्ध कराया गया है। 4 से लेकर 11 तारीख के जितने मैथ के क्वेश्चंस आए हैं, सारे के सारे अभी उपलब्ध हैं। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखिए, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। चलिए हम लोग देखते हैं 13th मार्च का क्वेश्चन। देखिए, सब पहला क्वेश्चन आया है, रुक्मणी देवी अरुंधले, ये किस चीज़ किस कौन सी डांसर थी, भारतनाट्यम की थी, और भारतनाट्यम कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का डांस है, ठीक है। और ये एक चीज़ और इनके बारे में जान लीजिए, ये क्वेश्चन आया है आज के डेट में कि रुक्मणी देवी अरुंधले किस डांस से रिलेटेड है, तो भारतनाट्यम, ठीक है। ऑप्शन 4 दिया होगा, भारतनाट्यम, कथक, और 4 ऑप्शन दिया जिसमें भारतनाट्यम आपको मारना था, ठीक है। देखिए, इनसे कुछ रिलेटेड फैक्ट जान जाइए, क्योंकि हो सकता है आगे के एग्जाम में पूछ दिया जाए। देखिए, ये पहली वुमेन थी जिन्हें राज्यसभा में नॉमिनेटेड किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो फर्स्ट वुमेन टू बी नॉमिनेटेड इन द राज्यसभा, तो यही रुक्मणी देवी अरुंधले थी। इनको पद्म भूषण भी मिला है 1956 में, और संगीत नाटक अकेडमी में फेलोशिप 1967 में इनको दिया गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध फर्स्ट सर्मन कहाँ पर, ये सारनाथ में दिए थे, ये है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। देखिए, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लीजिए कि ये गौतम बुद्ध का और हो सकता है नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट में आ जाए आप लोग को, हो सकता आज नहीं तो 20 तारीख को या 18 तारीख को, 17 किसी दिन पूछा जा सकता है गौतम बुद्ध से और भी क्वेश्चन। तो देखिए, ये जन्मे कहाँ पर थे, तो लुम्बिनी नेपाल में जन्मे थे, मरे कहाँ, कुशीनगर में मरे, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था, सिद्धार्थ गौतम। ये सारा क्वेश्चन जो है ये एसएससी में कभी ना कभी पूछा जा चुका है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये आ सकता है कि उनका पूरा नाम क्या है, उनकी वाइफ का नाम क्या है सुद्रा, पेरेंट्स का नाम क्या है। चलिए, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सारनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर, ये अभी नया ही बैंक खुला है, इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। इसका ये आज का आंसर था, संघाई चाइना, ठीक है। इससे रिलेटेड और फैक्ट देख लीजिए, हो सकता है नेक्स्ट में आपको पूछ दे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट कौन है, तो इनका इसका प्रेसिडेंट है केवी कामत, ठीक है। ये फाउंडर ब्रिक्स के लिए, ब्रिक्स जो संस्था है, ठीक है, उसके अंदर में ये है, ब्रिक्स के लिए ये बैंक बनाया गया था, ठीक है। ये कब फॉर्म हुआ, देखिए 15 जुलाई 2014 को, बोले इधर ही फॉर्म हुआ है, ठीक है। और देखिए, फॉर्मेशन जुलाई 2014 से जुलाई 2000 ट्रीटी ऑफ फोर्स हुआ था। अब देखिए, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर फर्स्ट प्रेसिडेंट ये इम्पोर्टेंट है, के एम कामत। देखिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट यही है, अभी भी यही है, ठीक है। तो आप अभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक का अभी प्रेसिडेंट प्रेजेंट में कौन है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द कंट्री लोकेटेड ऑन टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। देखिए, ये कंट्री कौन कौन सा कंट्री, ये ऑप्शन तो नहीं पता है, मगर हम आप लोग को एक ट्रिक दे देते हैं जिससे आपको आसानी हो जाएगा कभी भी नहीं भूलने में। देखिए, आशा मोची अवोना बाप में, देखिए आशा अवे मोची अवोना बाप में, ये सारे कंट्री का नेम है। अब देखिए, आ से क्या हो जाएगा, आ से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सा से क्या हो जाएगा, साउथ अफ्रीका, ठीक है। मो से क्या हो जाएगा, मोजम्बिका, ठीक है, ये भी कंट्री है। मोजम्बिका, ठीक है। अब देखिए, मोजम्बिका हो गया, ची से क्या हो जाएगा, ये ची है, ची से क्या हो जाएगा, चिली, चिली एक कंट्री है। देखिए, अ से क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना। ओ से क्या हो जाएगा, ओस्वाना। ओ से क्या हो जाएगा, ओस्वाना, आप लोग लिख लीजिए। ना से नामीबिया, ना से नामी
बिया, ठीक है, थोड़ा सा गंदा हो गया मगर आप लोग देख लो, ना से नमे बिया, ठीक है, लिख लिए ना से नमे बिया, प से परागवे, प से क्या है परागवे, ठीक है, प से क्या है परागवे, प से परागवे लिख लिए, मे से मेड सागर, ठीक है। तो ये देखिए इसमें आप इस चीज़ को देख लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से कौन सा कंट्री लोकेटेड है, तो इसमें चार कंट्री का नाम दे देगा, और इसमें आज का क्वेश्चन है तो चार कंट्री का नाम दिया होगा, जिसमें एक कंट्री इसमें लोकेटेड नहीं होगा जिसको आपको जानना है। तो इसमें टोटल कंट्री जितने हैं 10 शायद हैं, 10 आपको नाम याद करना है, तो उसका आप लिख लो आसामोची अवोना बाप में, ठीक है, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-10 कंट्री हैं, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मेंटर प्रोग्राम से एक क्वेश्चन आया है, तो मेंटर प्रोग्राम होता क्या है ये आप लोग एक बार इसके गो थ्रू हो जाइए, ये इसका ऑप्शन मौजूद नहीं है, पूरा क्वेश्चन तो पता नहीं चला, बस इतना पता चला है कि मेंटर प्रोग्राम से ये एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। एक देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। देखिए ये पीछे भी आ चुका है, मतलब कि 4 से 10 के बीच में ये क्वेश्चन आया हुआ है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में पूछा गया था ये किस शेड्यूल में है, तो ये 10th शेड्यूल में है। अब देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है, पहले क्या होता था 1985 के पहले, ये 52 अमेंडमेंट 1985 में मतलब कि लागू हुआ है, तो 1985 के पहले क्या होता था कि कोई भी पार्टी में कोई जीतता था और जब जीतने के बाद दूसरे पार्टी में चला जाता था, मगर अब वो नियम नहीं रहा। यदि एक पार्टी है जिसका 1/3 मेंबर अगर दूसरे पार्टी में जाते हैं तब ये एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लागू होता है, मगर अगर मान लीजिए कि पांच का पार्टी है और एक आदमी किसी दूसरे पार्टी में जाना चाहता हो तो इसका सदस्यता रद्द कर दिया जाएगा, मगर दो जाना चाहता हो तो वो जा सकते हैं, ठीक है। तो आप याद रखो कि 1/3 जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हु इज़ द चेयर पर्सन ऑफ पीजेंट एंड वर्कर पार्टी इन इंडिया इन 1928 इन कलकत्ता सेशन, ठीक है। इसके चेयर पर्सन कौन थे वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया 1928 इन कलकत्ता सेक्शन, तो ये थे नरेश चंद्र सेन गुप्ता, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, और देखिए ये क्वेश्चन आने का कारण है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में अभी किसान का रैली चल रहा है, तो वो जो मोर्चा निकला है ना वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है, ठीक है, पीजेंट्स वर्कर पार्टी से रिलेटेड है, इसीलिए इस क्वेश्चन को डाला गया है कि सबसे पहला हो सकता है उससे इंस्पायर होकर डाले हो लोग, मगर करंट से लिंक करके ये क्वेश्चन डाला गया है, तो इसका आंसर हो गया नरेश चंद्र सेन गुप्ता। देखिए एमएस वर्ड से आया एक क्वेश्चन, पेज सेटअप रिलेटेड क्वेश्चन था, अब पता नहीं क्या था, मगर ये एक बार देख लीजिए एमएस वर्ड में क्या कीयू का फंक्शनिंग देख लीजिएगा, पेज सेटअप क्या है वो देख लीजिएगा, ठीक है। जीडीपी से एक क्वेश्चन था, तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी कंट्री का कितना डेवलप्ड है, कितना डेवलपिंग है, वो इसी से पता चलता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका। देखिए श्रीलंका का कैपिटल पूछा है, और देखिए कैपिटल श्रीलंका का दो है, तो जयवर्धने पूरा कोट्टी ये एक कैपिटल है, और कोलंबो दूसरा है, तो जैसे कोलंबो हम लोग को पता है, मगर ऑप्शन में आज कोलंबो नहीं था, तो ठीक है, तो श्री जयवर्धने कोट्टी ये क्यों है, ये ऑफिशियल कैपिटल है, और श्रीलंका का जो स्पेस सेंटर है जहाँ से वो सेटेलाइट वेटेलाइट भेजता है अपना स्पेस सेंटर, वो यहीं पर है, ठीक है, जयवर्धने पूरा कोट्टी में, और जो अर्बन एरिया का कैपिटल है वो है कोलंबो में। तो देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि श्रीलंका का अर्बन कैपिटल कौन है, और हो सकता है कि पहला आंसर में जयवर्धने दे दे, जयवर्धने पूरा कोट्टी दे दे, तो ये गलत हो जाएगा। यदि अर्बन एरिया पूछता है तो वो हो जाएगा कोलंबो, और ऑफिशियल कैपिटल पूछता है तो ये हो जाएगा जयवर्धने पूरा, और यदि श्रीलंका का कैपिटल पूछता है और दोनों में से कोई एक दिया हुआ है तो वो आप मार दो, ठीक है। पॉलिटिकल गुरु गांधी जी का कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले, ये पुराना क्वेश्चन है जो एसएससी में प्रीवियस रिपीट हो चुका है, ठीक है। हु अपॉइंटमेंट यूपीएससी चेयरमैन, यूपीएससी के कोई भी चेयरमैन जो भी होते हैं अपॉइंटेड, चाहे गवर्नर हो गए हैं, एसएससी के चेयरमैन हो गए हैं, या फिर कैग के हो गए हैं, तो जितने भी संस्था है जो चेयरपर्सन अपॉइंट होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये एक न्यूमेरिकल पूछा गया है फिजिक्स का आज आज के डेट में, तो देखिए इसमें पूछा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इफ द टू रेसिस्टेंस इतना आर गिवेन, तो देखिए इसमें अगर पैरेलल में कनेक्टेड होगा या सीरीज में कनेक्टेड होगा, तो इसमें ये लोग दिए थे पैरेलल कनेक्टेड, आज का क्वेश्चन में ये था पैरेलल कनेक्टेड, तो पैरेलल कनेक्टेड का देखिए फॉर्मूला ये होता है,
1 बाई आर टोटल इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू, और सीरीज कनेक्शन का ये होता है आर टोटल आर वन प्लस आर टू डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो आज का हम लोग पैरेलल कनेक्शन का था, तो देखिए आर टोटल कितना हो जाएगा 1 बाई बारह प्लस 1 बाई चौबीस, तो 24 हो गया, तो 24 हो गया आपको, तो यहाँ पर 2 प्लस 1 तो 3 बाई चौबीस 1 बाई एट, ये पता चल गया। तो आर टोटल कितना हो गया 8 ओम, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो इसी तरह आप देखो नेक्स्ट हो सकता है कि नेक्स्ट नेक्स्ट पेपर में ये पूछा जाए कि सीरीज में क्या होगा पैरेलल में दूसरे नंबर, आप इसको एक बार फॉर्मूला को देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑर्गेनाइजेशन सेंड गोल्ड एंड आइकॉन टू द आयोनोस्फेयर, तो देखिए ये नासा भेजा है, इसका आंसर नासा था, आज का ये क्वेश्चन था। अब देखिए हो सकता है कि कभी वीडियो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि गोल्ड जो नासा भेजा है गोल्ड का फुल फॉर्म क्या है या जी किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, क्योंकि अभी पूछा जा रहा है किसी फुल फॉर्म में कोई एक वर्ड का पूछा जा रहा है कि ये किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। तो ठीक है गोल्ड के लिए देखिए ग्लोबल स्केल ऑब्जर्वेशन ऑफ द लिमिट एंड डिस्क, ठीक है, तो ये गोल्ड का फुल फॉर्म हो गया, आप लोग याद कर लीजिएगा। और आइकॉन का फुल फॉर्म हो गया आयनोस्फेरिक कनेक्शन एक्सप्लोरर, और आइकॉन तो देखिए आइकॉन में पूछ सकता है कि ठीक है आइकॉन में आई किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, चाहे गोल्ड में पूछ सकता है कि जी किस चीज़ के लिए स्टैंड कर सकता है, तो ये दोनों का फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट फुली इलेक्ट्रो कार्गो शिप, ये चाइना है, चाइना पहला पहली यही शिप है जो पहली बार टोटली इलेक्ट्रो कार्गो शिप लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा, वो पहला वर्ल्ड का पहला शिप है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और आने के लिए एसएससी में, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है और बहुत ये पहला शिप है इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आज तो आया हो सकता है आगे भी इसको पूछा जा सकता है। देखिए आईपीएल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें आईपीएल ऑक्शन से सुने हैं कि आज क्वेश्चन आया है, तो आप लोग थोड़ा ऑक्शन का देख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा कौन बिका है, चाहे कौन सा नया टीम फॉर्म हुआ है, तो आईपीएल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है। देखिए खेलो इंडिया से भी एक क्वेश्चन आज पूछा गया है, तो खेलो इंडिया के बारे में हम लोग कुछ बता देते हैं कि ये नेशनल प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, ये स्कूल चिल्ड्रेंस के लिए खोला गया है खेलो इंडिया, ठीक है, ये इसी साल हुआ था, यहाँ पर दिल्ली में ही हुआ था इसका, आज न्यू दिल्ली में इस वर्ष इसका आयोजित हुआ है न्यू दिल्ली में, और इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला हरियाणा है। देखिए अब खेलो इंडिया का था आज तो क्वेश्चन शायद पूछा गया है कि किस कहां पर आयोजित हुआ है, मगर हो सकता है पूछ दे कि फर्स्ट नंबर पर कौन था खेलो इंडिया में पोजीशन, कौन सा स्टेट फर्स्ट था, तो वो था हरियाणा, सेकेंड कौन था महाराष्ट्र, और थर्ड कौन था दिल्ली। तो चलिए हो गया हम नेक्स्ट देखते हैं कंट्री शेयर बाउंड्री विथ म्यांमार, तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा है कौन सा कंट्री है जो म्यांमार से बाउंड्री शेयर करता है, ऑप्शन नहीं था, मगर जो जो कंट्री शेयर करता है बांग्लादेश इंडिया चाइना लॉस और थाईलैंड, ये टोटल पांच कंट्री है, तो इसमें से क्या किया होगा कि तीन शेयर करने वाला होगा एक नहीं शेयर करने वाला, जो आपको चुनना होगा, तो ये आप पाँचों देख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट में ऑप्शन चेंज करके पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए ये इक्वेशन दिया था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर टू ए एस, यहाँ पर s किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल पूछा गया है v बराबर आई आर पर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, शायद i का वैल्यू और r का वैल्यू दिया हुआ था, v का वोल्ट पूछा था, तो ठीक है इसको एक बार फॉर्मूला को देख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है आप में v दे दे और i दे दे और रेसिस्टेंट पूछ ले, तो इसलिए आप इसको देख लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन एट्थ फाइव ईयर प्लान्स, ये फाइव ईयर प्लान्स ये क्वेश्चन दूसरा या तीसरी बार आ चुका है, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है फाइव ईयर प्लान से, तो फाइव ईयर प्लान से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन आ रहा है, तो आप सारे फाइव ईयर प्लान को एक बार देख जाओ। तो आज का क्वेश्चन था एट फाइव ईयर प्लान स्टार्टेड इन विच ईयर, तो देखिए ये हुआ है 1 अप्रैल 1992 और इसका अवधि कब से था 92 से 97 तक, और देखिए ये सारे हमने फाइव ईयर प्लान आपको दे दिए, आप इसको एक बार देख लो कि कौन कब कब चालू हुआ था। देखिए रोलिंग प्लान ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए कि रोलिंग प्लान और एनुअल प्लान ये पूछा जा सकता है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा और सारे का डेट देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए आसबा पवेल इज ए प्लेयर इन विच कंट्री, ये एक एथलीट हैं, ये किस कंट्री के हैं, जमैका के हैं, और ये 100 मीटर में दौड़ते हैं और मेडल भी जीत चुके हैं बहुत सारा, तो ठीक है
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेन हाउ मच टाइम टेकन बाय द यूरेनस टू रिवॉल्व अराउंड द सन। देखिए 84 साल लगता है इसको, ठीक है, 84 ईयर्स। और देखिए आज का क्वेश्चन में ये तो पूछ दिया, तो अब आप नौ प्लैनेट का कितना समय लगता है रिवॉल्व करने में, सन को चक्कर लगाने में कितना समय लगता है ये आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप में मार्स का पूछ दे, इसलिए कि मरकरी का तो पूछा जा चुका है, यूरेनस का पूछा गया, दो तो हो गया, बाकी बचे जो अर्थ का आपको पता ही है, तो बाकी बचे चार पाँच, उनका आप एक बार देख लीजिएगा कि कितना सन के चक्कर में और कितना अपने ऑर्बिट पर कितना समय लगता है उसको पूरा करने में, ठीक है। और एक चीज़ और देख लीजिए, अब यूरेनस से एक डिस्कवरी इसका कौन किया था, विलियम हर्सेल, ठीक है, और डिस्कवरी डेट था 13 मार्च 1781 में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स डे 1 दिसंबर, यदि आप लोगों को पता होगा तो 11 मार्च को बिहार एसआई का पेपर हुआ है, मैंने वीडियो डाला है, ये क्वेश्चन वहाँ आया हुआ था, और इसका 3 करेंट अफेयर आज का बिहार एसआई के पेपर से आया है, ठीक है। तो आप एक बार अगर नहीं देखे हैं, एक बार जाकर बिहार एसआई का जीएस का पेपर देख लीजिए वीडियो में, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन होता क्या है ना कि एसएससी क्वेश्चन दूसरे दूसरे जगह से पिक करके दे रही है, वो अब खुद का क्वेश्चन तो बनाती नहीं है। चलिए देखते हैं, गुरु व्यार सत्याग्रह, देखिए एक क्वेश्चन इससे आया था, और क्वेश्चन क्या था कि गुरु व्यार सत्याग्रह में हंगर स्ट्राइक पर कौन बैठा था, तो देखिए हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे के किलिप्पन। तो देखिए अब गुरु गुरु व्यार सत्याग्रह का हमने पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है, तो आज के क्वेश्चन था कि गुरु व्यार सत्याग्रह हंगर स्ट्राइक पर कौन बैठा था, के किलिप्पन हो गया। अब देखिए गुरु व्यार सत्याग्रह ये पूछा जा सकता है कि ये कब पीरियड कब था, तो 1931-1932 में, और ये हंगर स्ट्राइक जो हुआ था ये गांधी जी के कहने पर हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये रिपीट हो सकता है, तो आप एक बार इसको देख लीजिए। अब देखिए एक डिजीज से क्वेश्चन था, रेटिना कोन, आपको पता होगा आई डिजीज, तो कोन में जो कोन का डिजीज होता है ना वो किस डिफिशियंसी से होता है, तो सोडियम और पोटेशियम के डिफिशियंसी से ये डिजीज होता है, तो आपको पता चल गया कि डिजीज आ रहा है, तो एक बार आप डिजीज का भी टेबल देख लीजिएगा। देखिए हाउ मेनी डेज मनी बिल विल बी स्टॉप्ड बाय द राज्यसभा, राज्यसभा कितना दिन तक मनी बिल को स्टॉप कर सकता है, तो इसका आंसर होगा 14 दिन। तो देखिए मनी बिल का एक चीज़ और जान लीजिए कि मनी बिल होता क्या, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, ठीक है, उसके बाद राज्यसभा में जा सकता है, मनी बिल राज्यसभा में जनरेट नहीं होता है, ठीक है, ए मनी बिल बीन पास्ड इन द लोकसभा, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास होता है, ठीक है, ये एंड देन सेंड टू द राज्यसभा, रिकमेंडेशंस ऑफ द लोकसभा बाय द राज्यसभा, 14 दिन के अंदर अगर इसको राज्यसभा वापस नहीं करता ये ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा और यह कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। और मनी बिल का देखिए जब पूछ लिया तो इसका आर्टिकल पूछ सकता है, अब तो आर्टिकल 110 होता है मनी बिल का, ठीक है, तो इसका आंसर क्या था 14 दिन। ये आसान क्वेश्चन था, पहले भी आया है। देखिए एक क्वेश्चन आया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी इज लोकेटेड इन विच प्लेस, तो ये है पुणे, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड और भी देख लीजिए कि हो सकता है इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ है 1962 में, इसका डायरेक्टर अभी कौन है, रवि नाजुंदिया, ठीक है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो पुणे में, तो पुणे में है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन आ गया, तो ये इसको एक बार पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट फेमस राइटर इन मुगल एम्पायर, ठीक है, तो ये अबुल फजल, ये एसएससी का पुराना क्वेश्चन है, रिपीटेड है। नेशनल हेल्थ की स्कीम कम इन इंडिया, ने देखिए नेशनल हेल्थ स्कीम कब आया है, ये क्वेश्चन क्यों आया है, क्योंकि इस साल बजट में नेशनल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा बजट पास किया गया, उसके ऊपर ध्यान दिया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया है कि नेशनल हेल्थ स्कीम जो इंडिया में आया वो सबसे पहली बार कब कंसिडर हुआ था, 1983 में। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, हु इम्प्लीमेंटेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1928 इन रसिया, तो ये देखिए ये लेनिन हो गया इसका आंसर, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है मगर इसको देख लीजिए एक बार, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट में यही क्वेश्चन फिर से आ जाए। हाउ लॉन्ग डज इट टेक सर्टेन टू गो अराउंड द सन, देखिए अब तीसरा प्लेनेट हो गया आज से 4 तारीख से 11 तक में, मरकरी हो गया, यूरेनस हो गया, सर्टेन हो गया, ये तीन प्लेनेट का पूछ लिया कि ये सन को चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो इसका सर्टेन रिवॉल्व ये 29.4 ईयर इसको लगता है। तो आपको क्या करना है कि आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि अब तीन चार प्लैनेट जो बचे हुए हैं उसका हम लोग कितना दिन में कितना ईयर में वो चक्कर लगाता है सन का, उसका याद कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते जा रहा है ये, ठीक है। अब देखिए सेंटर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक लोकेटेड इन विच प्लेस,
अभी इसके पहले जो हम लोग देखे थे ट्रॉपिकल मेटलॉर्जी था, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इससे आप एक चीज़ का संस्था का नाम आपको याद करना होगा। तो किसी भी बुक में जाकर 15-20 जो संस्था हैं, नहीं तो हम अगले से अगले क्लास में वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, सारे संस्था का नाम याद कर लीजिए, क्योंकि संस्था से क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन कहाँ पर फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक लोकेटेड कहाँ पर लोकेटेड, ये हैदराबाद में है। ठीक है, ये हैदराबाद में लोकेटेड है। और अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कब फॉर्म हुआ था, 1990 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हुज किंगडम अब्दल समाद वाज। तो देखिए अब्दल समाद जो थे ना, एक तरह से ये गुलाम थे, मगर ये बहुत ही वो अकबर के दरबार में ये थे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब्दल समाद के बारे में आपको बताया जाएगा, ये भी एक अकबर के कोर्ट के इम्पोर्टेंट पर्सन थे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और मास नंबर। तो देखिए हो सकता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का एक इक्वेशन होता है, या फिर जो फॉर्मूले होते हैं निकालने के लिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट में कितना होता है, उसको एक बार आप लोग, क्वेश्चन ये मिला नहीं है, बस जो भी मैसेज आया था हम लोग को उस पर यही लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और मास नंबर से एक क्वेश्चन आया है न्यूमेरिकल का, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। देखिए राष्ट्रपति भवन वाज आर्किटेक्चर भाई, तो एडविन लेडिसिन ल्यूटेंस, ये एसएससी का पुराना क्वेश्चन है, लेडिसिन ल्यूटेंस का राष्ट्रपति भवन कौन बनाया था। ठीक है, ये हो गया। विच विटामिन फाउंड इन काउ मिल्क, तो काउ मिल्क में कौन सा विटामिन फाउंड होता है, तो विटामिन ए। और देखिए एक चीज़ और, मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं, विटामिन बी भी मिलता है मिल्क में मगर बहुत कम मात्रा में, मगर कौन सा एक ऐसा विटामिन है जो मिल्क में नहीं मिलता, वो है विटामिन सी। विटामिन सी मिल्क उल्क में नहीं मिलता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, सी ये 33 क्वेश्चन है। सी आई एस आर लोकेटेड इन विच प्लेस। तो देखिए सी आई एस आर जो है ना वो गोवा में लोकेटेड है। देखिए हम बोले ना कि जो भी संस्था है ना उसको एक बार आप लोग देख लीजिए, क्योंकि संस्था का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन रिलेटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था, और ये किसके दरबार में हुआ था। ठीक है, अकबर में हुआ था, 1600 में सबसे पहली बार आया था, इसका फैक्ट्री कहाँ पर है, इस टाइप का क्वेश्चन एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेंसेक्स ऑफ इंडिया। अब देखिए सेंसेक्स ऑफ इंडिया से क्या क्वेश्चन पूछा गया ये तो नहीं पता, मगर सेंसेक्स ऑफ इंडिया का क्वेश्चन यदि आया है तो उसका सारा डिटेल हमने दे दिया है यहाँ पर। तो देखिए सेंसेक्स ऑफ इंडिया जो था ये जनगणना के लिए हुआ, हर एक 10 साल में होता है, लास्ट जो था 2011 में हुआ है, अभी तक 15 बार हो चुका है। ठीक है, द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वर टेकन वो 1881 में पहली बार हुआ था। ठीक है, और ये कौन कराता है, रजिस्टर जनरल सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में होता है। ठीक है, और ये ऑल द सेंसस सिंस 1951 कंडक्टेड अंडर द 1948 सेंसस। हाँ, आज का क्वेश्चन ये था कि सेंसस ऑफ इंडिया जो है वो किस किस मतलब कि किस सेंसस के एक्ट के अंदर में कंडक्ट कराता है, तो आज के आंसर था 1948। तो और भी देख लीजिए आप, कुछ भी पूछा जा सकता है कि लास्ट सेंसस कब इम्प्लीमेंट हुआ था, तो 2011 में। ठीक है, या फिर कितना बार हो चुका है, सबसे पहला कंप्लीट सेंसस कब हुआ था 1881 में, बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन बन गया। तो आज का आंसर क्या था, 1948 एक्ट के तहत सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है। ठीक है, इन विच ईयर DD2 चैनल वाज ब्रॉडकास्टेड फर्स्ट। तो देखिए DD2, पहले हम लोग DD नेशनल जानते थे, तो DD नेशनल को ही DD1 बोलते थे, फिर बाद में DD2 आया था, तो DD2 को DD मेट्रो भी बोला जाता था। ठीक है, और ये आज का क्वेश्चन था, इन विच ईयर DD2 चैनल वाज ब्रॉडकास्टेड फर्स्ट, तो ये 26 जनवरी 1993 को पहली बार ब्रॉडकास्ट किया गया था। अब देखिए ये DD1 का पूछ दिया, तो हमने एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा दिया आप लोग को कि DD नेशनल का भी बारे में जान लीजिए, इसको DD1 भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, हो सकता है नेक्स्ट बार आपको पूछ दे, तो ठीक है इसको भी आप लोग देख लीजिए कि ये कब पहली बार लॉन्च कब हुआ था। ये पहला चैनल है देश का, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, हालांकि DD2 पूछ दिया गया तो DD1 भी पूछेगा ही कभी ना कभी। ठीक है, तो 15 सितंबर 1959 को DD1 चालू किया दूरदर्शन। ठीक है, आप देखिए कौन सा इंडिया में है, यह लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, इंटरनेशनली होता है,
और देखिए अब हेड क्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि DD1 का हेड क्वार्टर कहाँ है और इसका सिस्टर चैनल कौन कौन सा। हो सकता है कि DD1 का चार चैनल दे दे और बोले कि इसमें से सिस्टर चैनल कौन नहीं है, तो एक बार DD1 का देख लीजिएगा। क्यों इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि DD2 आ गया है तो DD1 भी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी या फिर अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक का जो सेंटर है वो कहाँ पर है, तो वो न्यू दिल्ली में है। देखिए सेंटर से तीन चार क्वेश्चन आज ही आ गए, तो आप सेंटर एक बार याद कर लो, किसी किसी सेट में दो दो वो सेंटर आया है आज, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो गया सेंटर, ठीक है। नबार्ड कब बना था, तो ये 12 जुलाई, आज का क्वेश्चन है नबार्ड कब स्टेब्लिश हुआ, 12 जुलाई 1982। तो नबार्ड से रिलेटेड और भी क्वेश्चन देख लीजिए कि नबार्ड का हेड क्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र, ये पूछा जा सकता है कि नबार्ड का कहाँ पर है हेड क्वार्टर, ये कब स्टेब्लिश हुआ था आज, तो ये पूछ दिया, नेक्स्ट भी पूछा जा सकता है इसको फिर से। चेयरमैन कौन है, ये इम्पोर्टेंट है, हर्ष कुमार बनवाल, ये पूछा जा सकता है तीनों, ठीक है। तो आप इसमें से एक तो पूछ दिया, दोनों और देख लीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, दिल्ली का मोती मस्जिद है वो कौन बनाया था, तो वो बनाए थे औरंगजेब, ठीक है, और ये अपने आराम करने के लिए बनवाया गया था, ठीक है। तो दिल्ली का मोती मस्जिद ये हुआ। और देखिए शाहजहाँ जो थे मोती मस्जिद, जो देखिए मोती मस्जिद दो है, एक दिल्ली में है और एक आगरा में है, तो आगरा वाला शाहजहाँ बनवाया है और दिल्ली वाला औरंगजेब बनवाया है, तो ये आगरा का हो गया, ये दिल्ली का हो गया। चलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज पूछ दिया है कि दिल्ली का मोती मस्जिद कौन बनवाया था, तो हो सकता है नेक्स्ट में पूछ देती आगरा का मोती मस्जिद कौन बनवाया था, तो शाहजहाँ इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। म्यांमार इंटरनेशनल बाउंड्री विथ इंडिया इन किलोमीटर, क्वेश्चन था कि म्यांमार का इंडिया से कितना किलोमीटर इंटरनेशनल बाउंड्री लगता है, तो उसका आंसर हो गया 1643 किलोमीटर। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया क्योंकि पिछले बार पूछा गया है कंट्री चाइना से रिलेटेड, एक क्वेश्चन आ गया है बाउंड्री से, देखिए चाइना से रिलेटेड आ गया, आपको नेपाल से रिलेटेड आ रहा है, म्यांमार हो गया, जितना भी पाकिस्तान हो गया, इस सबको देख लीजिए एक बार, क्योंकि चाइना और म्यांमार तो पूछ दिया इंटरनेशनल बाउंड्री, तो अब बचा कौन, बांग्लादेश। ये पिछला वीडियो में यह आया था कि कौन सा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री भारत के साथ बनाता है, तो है उसमें बांग्लादेश था सबसे ज़्यादा, मगर बांग्लादेश को हटा दिया गया था ऑप्शन में, तो चाइना ऑप्शन मारना था, तो हो सकता है पूछ दे। तो आप एक बार सारा देख लो, अभी इंटरनेशनल बाउंड्री भारत के साथ सबसे ज़्यादा बांग्लादेश ही बनाता है, तो हो सकता है नेक्स्ट में बांग्लादेश के बारे में पूछ दे कि कितना किलोमीटर बाउंड्री बनाता है भारत से, तो एक बार नेबरिंग कंट्री का बाउंड्री के बारे में आप देख लो। देखिए आर्टिकल 368 आर इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये पार्ट 20 में है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वन क्वेश्चन फ्रॉम द पेप्सिन एंजाइम, देखिए पेप्सिन एंजाइम से क्या क्वेश्चन पूछा गया था ये तो नहीं पता है, मगर अब पेप्सिन एंजाइम के बारे में हम आपको सब कुछ बता देते हैं। पेप्सिन एंजाइम बनता कहाँ है, वो पेट में बनता है, स्टमक में। ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने के लिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने के लिए, ठीक है। और इम्पोर्टेंट होता है ब्रेक डाउन प्रोटीन को, ये स्मॉलर पेप्टाइड्स में तोड़ भी देता है और तोड़ के लीवर के पास भेजता है, ठीक है। तो ये पेप्सिन कहाँ पर फॉर्म होता है, ये स्टमक में फॉर्म होता है और डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो आप देखिए एंजाइम्स भी है, लेनिन हो गया, ये सब सब थोड़ा सा एंजाइम्स भी एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए हम बोले थे कि फुल फॉर्म में कोई चीज़ पूछा जा रहा है, तो APMC का फुल फॉर्म में एम किस चीज़ के लिए रिलेटेड होता है, तो देख लीजिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमिटी, तो एम होता है मार्केट के लिए, तो ये आंसर हो गया मार्केट। चलिए ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा गया है, तो NaHCO3 होता है, तो देखिए और भी बेकिंग पाउडर इस सब का देख लीजिए फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आ जा गया तो नेक्स्ट पे कुछ भी पूछा जा सकता है, सोडियम का पूछा जा सकता है, ठीक है, बेकिंग सोडा का पूछाएंगे, बेकिंग पाउडर का पूछा जाएगा, लाइम का पूछा जाएगा, ठीक है। वन क्वेश्चन फ्रॉम द बैटल ऑफ पानीपत, अगर देखिए बैटल ऑफ पानीपत, अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो इसमें बैटल ऑफ पानीपत का हमने सारा युद्ध के बारे में बताया था, बाबर के बारे में बताया था उसमें, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार पीछे जाकर उसको देख लीजिए। इस तरह यहाँ भी बता देते हैं कि बैटल ऑफ पानीपत से क्या पूछा गया ये तो नहीं पता है, मगर ये पूछा गया कि तीनों में से एक ही पूछा गया होगा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526, हाँ ये डेट पूछा गया है ये तो पता है, ठीक है। सेकेंड कब हुआ है, 5 नवंबर 1556 को, और थर्ड कब हुआ है, 14 नवंबर 1761 को। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।